काल की कसी करना प्यार, ठीक है उदे अपना कर लेनी वन वर्ड क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया राइट। आज आप करेंगे अनडिठी का टुकड़ी, ओके तो टेक आउट योर स्पेयर नोटबुक, स्पेयर नोटबुक से ही तुझे लिखना है और अपनी नोटबुक काफी बच्चों की मेरे को आ रही है, ठीक है ऑलमोस्ट थोड़ा सिलेबस जोड़ा है वो कंप्लीट है, ये जड़ी असाइनमेंट में थोड़ा करवा रही है तो स्पेयर नहीं करते जाओ तुझे, ठीक है। तो पहला बच्चे पैरा लिखो, नहीं उस पिछो की नहीं लिया, राइट ऑन बेटा लिख लो सागर मटके की मिलना है, जी फर्स्ट लाइन सागर मत्स्य की मिलना है हीरे लाल से मोती, नाल ही लिखना चाहे हीरे लाल से मोती, मन नु जरा खंगाल के वेखो, खट्टी होएगी मोटी, नेक्स्ट सब नदियां दा पानी मिणा, नदियां दा पानी मिणा मेजर करना, फिर सागर क्यों खारा, नेक्स्ट शायद वड्डा होण दा ओहो, ओह नू चढ़िया हुवे अफारा, ये पहले तो नहीं की हुई, नहीं की हुई ना, ओके राइट बच्चे होण दा वड्डा होण दा ओहनू मीणा मतलब मिठा, फिर सागर क्यों खारा, शायद वड्डा होण दा ओहनू चढ़िया होवे अफारा, ठीक है लिख लो राइट। हुण इहदा मीनिंग कोई दस सकदा है, एग्जैक्ट तां नहीं पढ़ के पोएम नूं मीनिंग कोई दस सकदा बच्चे, सागर मंथन होया सी ना कदो होया सी सागर मंथन, हां जी उच्ची बोलो जदो सागर मंथन होया सी, ठीक है ता हिंदुइज्म दे विच है है, ठीक है ओदे विच सागर दे थल्ले अपा कीता सी ना एक पासे दी एक पर्सन देवता सीगे, हां जी ठीक है उन्होंने खिचिया सीगा उन्होंने मंथन मतलब के ओ जिसका इदा आप खिंचते हैं डोर नू खिंचते हैं, ठीक है वो कहते हैं कि उतो मिलना की है, उन्होंने सागर मंथन किसी मोटिव ले किया सी, ठीक है ते ओ कहते कि सागर मतलब के सानू इन्ना ज्यादा पैसा कमा के इन्ना ज्यादा धन कमा के सानू अंत विच हासिल की हुंदा है कुछ भी नहीं, तुसी लैके जांदे हो एंड विच देखिया जदों कोई इंसान चला जांदा दुनिया तो अपने नाल कुछ लैके जांदा है, नहीं ना लैके जांदा है थोड़े ना भी उन्हें बैग पहला तैयार कर लिया, नहीं ना ठीक है हीरे लाल ते मोती मतलब वो कहते हैं कि वो तो मिलता की है हीरे लाल जवाहर, ठीक है जवाहरात मिलते हैं मोती मिलते हैं कुछ नहीं मिलता
मन नूं जरा खंगाल के वेखो, अपने मन नूं जरा टोहल के देखो, टटोल के देखो, ठीक है, टटोल के देखो कि खट्टी होएगी मोटी। खट्टी किनू कहिंदे आ? कमाई खट्टी, ठीक है। अपने मन नूं जरा मतलब हिम्मत मार के देखो, तुसी सिर्फ सागर मंथन कर रहे हो बिना कोई मेहनत किए, तुसी कहिंदे हो कि तुहानूं हीरे मोती मिल जाण जो नहीं मिल सकते, ठीक है। पर जे तुसी अपने मन नूं कहोगे कि मैनूं जे आपां मेहनत करांगे ते साडी जिहड़ी कमाई है उह बहुत ज्यादा मोटी, मतलब बहुत ज्यादा दुगणी होएगी, ठीक है। सब नदियां दा पाणी मिणा, मिणा मतलब मिठा, नदियां दा पाणी किद्दां हुंदा? मिठा हुंदा ना, पी के देखा होएगा अगर तुसी, ठीक है। फिर सागर क्यों खारा? वो कहिंदे क्योंकि सागर दे विच ही मंथन होया सी, देवतियां ने किया सीगा, ओहदे विच ओहदी आई थिंक जहर दा प्याला कुछ हिस्सा निकलिया सी, ठीक है। इन्ना मैनूं हुण चंगी तरह नहीं पता, राइट। ते फिर सागर क्यों खारा? वो कहिंदे जे नदियां दा पानी मिठा है तो सागर दा पानी खारा क्यों है? खारा किहनूं कहिंदे आ? नमक वाला, हाँ, सॉल्टी हुंदा जिहड़ा सागर दा पानी हुंदा है, शायद वड्डा होण दा उहनूं चढ़िया होवे फारा, क्योंकि सागर जिहड़ा वड्डा हुंदा आ, मतलब इत्थे इह दस्सिया गया है कि जे जिहड़ी चीज़ बहुत ज्यादा वड्डी हुंदी है जरूरी नहीं कि उह बहुत ज्यादा ताकतवर होएगी, ठीक है। शायद सागर नूं अपने उत्ते बहुत ज्यादा ईगो होएगी, है ना, उहनूं अफारा चढ़िया होगा कि मैं बहुत वड्डा हाँ, पर फिर भी वड्डा है, उहदा कोई पानी पीना पसंद नहीं करता। नदी छोटी है, सारे उहदे नाल रहना पसंद करते। सिमल रुख सराय दा पढ़िए 9th विच, ओही हिसाब है कि मतलब जिस तरह सिमल दा रुख बहुत वड्डा हुंदा है पर फिर भी उहनूं कोई नेड़े नहीं आंदा, हंकार, मतलब उहदे विच दस्सिया कि हंकार नहीं करना चाहिए। सेम इसे तरह ही भाई वड्डे होण दा हंकार कदे नहीं करना चाहिए, ठीक है। डन, क्वेश्चंस लिखो, क्वेश्चंस। सागर मंथन करके की मिलता है? सागर मंथन करके की, हां जी इतने मत ही आएगा बेटा, ठीक है। मंथन, सागर मंथन करके की मिलता है? ठीक है, और जिहड़े तुहानूं अंडठी काप टुकड़ी आएगी ओ की आएगी एमसीक्यू दे विच, ठीक है। एमसीक्यू लिख सकते हो, ठीक है। हार्दिक दा आंसर फर्स्ट ऑप्शन लिख लो, हीरे मोती। सेकंड लिख लो पानी। थर्ड ऑप्शन बनाओ जरा, जसवीन कोई भी ऑप्शन लिख सकते हो। पैसे लिख लो। फोर्थ दीपांश ऑप्शन, तू उच्ची बोल थोड़ा सा। ताकत लिख लो, हां जी ठीक है, ताकत लिख लो, राइट। ऐसे करके ना साउंड नहीं आती थोड़ी, ठीक है। सो फर्स्ट सागर मंथन, ऑनलाइन स्टूडेंट, सागर मंथन करके की मिलता है? हीरे मोती, पानी, पैसे या ताकत? यस, ऋषित बोरा, ऋषित मैम, हीरे, हीरे मोती, ठीक है जी, हीरे मोती, राइट। सेकंड क्वेश्चन लिखो, मन नूं टटोल के, सेकंड, मन नूं टटोल के, लिसन 60 स्टूडेंट्स, बच्चे तुहाडा फोर्थ पीरियड है, मैसेज तुहानूं गया होया है, हुण 10th दा पीरियड है। सिमरप्रीत, रुद्राक्ष, अपनी क्लास जाओ बेटा। मन नूं टटोल के होण वाली कमाई किहो जिही होवेगी? मन नूं टटोल के, मन नूं टटोल के, मैं देखना केड़ा केड़ा लिख रहा ते केड़ा केड़ा नहीं लिख रहा, टटोल के होण वाली कमाई किहो जिही होवेगी? ऑप्शन वन, घाटे वाली। ऑप्शन टू, मोटी, मोटी मीन्स
ज्यादा। हर्ड, काटे वाली, मोटी, हर्ड। सोचो, ऑप्शन बनाओ। काटे वाली, मोटी, हाँ जी थोड़ी, ओके, या कोई भी नहीं, ठीक है। तो माननु टटोल के होण वाली कमाई की हो जाई होवेगी मोटी, ठीक है। मोटी मतलब बहुत ज्यादा कमाई होवेगी, राइट। हो गए दो क्वेश्चन, दिवांश डन। नेक्स्ट लिखो, किसदा पानी, नेक्स्ट किसदा पानी मिठा अते किसदा पानी खारा है। नहीं नो खारा ना लिखो, आपा चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। किसदा पानी मिठा है, किसदा पानी मिठा है, हां जी ठीक है जी। ध्रुव मेहता मैम, नदियां का पानी मिठा है। हां जी ठीक है, नदियां का पानी मिठा है, ते खारा किसदा है, ठीक है गुड। थर्ड, किसदा पानी मिठा है, ऑप्शन सागर दा, नदियां दा, झीलां दा, गुड, खूहां दा लिख लो, ठीक है। थर्ड, किसदा पानी मिठा है, नदियां, सेकेंड झीलां, ओके जी। ऑप्शन बनानी है, हां जी सागर, ओके, और नलके का लिख लो, नहीं लिखना खूहां का जे आप इना लॉजिक विच जाना था, ठीक है। नदियां दा, झीलां दा, सागर दा, या नलके दा, किसदा पानी मिठा है, नदियां दा पानी मिठा है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, हुन आपा लिखना है किसदा पानी खारा है। सेम ऑप्शन लिख लो, सेम ऑप्शन लिख लो या ऑप्शन लिखन नु रहन दो। हां जी खारा किसदा पानी है, यस ठीक है जी। अमृतपाल सागर दा, सागर दा, खारा किनु कहंदे अमृतपाल, नमक वाले पानी को, हां जी ठीक है, ओके ओके, खारा किसदा पानी है, सागर दा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, इस कविता विच कवि ने की संदेश दिता है। उन संदेश नु भी आपा एमसीक्यूज विच ले आना। इस कविता विच कवि ने की संदेश दिता है, ठीक है जी। इस कविता विच कवि ने की संदेश दिता है, ठीक है। संदेश दिया ऑप्शन लिख लो, सानू हंकार नहीं करना चाहिए, और सानू हंकार करना चाहिए है, पैसे नाल प्यार, फर्स्ट ऑप्शन हंकार नहीं करना चाहिए, सेकेंड हंकार करना चाहिए है, थर्ड पैसे नाल प्यार, फोर्थ दुनिया नाल प्यार, ठीक है। पैसे नाल प्यार, दुनिया नाल प्यार, केड़ा संदेश दिता है, ठीक है जी, सानू कदी हंकार नहीं करना चाहिए, क्लियर है, होगी। आप इधर ही डेली ना एक काव टुकड़ी करिया ही करनी है, ठीक है। तो अपनी असाइनमेंट जड़ी है और प्रॉपर वे देना रखो, ये ना होवे कि रफ से कर लो ते बाद विच रफ कॉपी इधर उधर रख दो, ठीक है। और प्रोजेक्ट वर्क दा मैं थोनू कल भी दस्या सी, 10C प्रोजेक्ट वर्क अपना तुसी सबमिट करवाना है स्कूल विच, वो कदों करवाना है और मैं थोनू दसांगी, पर अपना सबमिट जड़ा प्रोजेक्ट वर्क बना के रखो, ठीक है। गुड मॉर्निंग।
ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क भी है बेटा केड़ा सफरनामा एकांगी दा सार हां ते नई करोगी जीवन ते बनावटी जीवन ठीक है डन। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਣੇ ਸੀ ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱਗੇ ਤੱਕ मुहावरे कग्गा पाग ठीक है। कक्का पाग आपा किता होया है कक्का भी कर लिया गग्गा भी कर लिया सी राइट जेदा थानू टेस्ट आया सी हुण आपा करना है कग्गा पाग मुहावरे और मुहावरे भी थानू हुण एमसीक्यूज विच ही आणगे और इन्हां दी कोई लिमिट नहीं होएगी ठीक है जिथों मर्जी आ सकदे ने। ट्वेंटी सैवन ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 27 ਓਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਮਿਲਦੇਗੇ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਓਕੇ ਸੋ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਵੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀ ਹੁਣ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣੇ मुहावरे एमसीक्यूज आने नहीं हुण आपां एमसीक्यू दे विच किद्दां करांगे असीं देखना है हां जी लिसन बच्चे मुहावरे कग्गा पाग पहला है घोगल कन्ना बनना ठीक है फर्स्ट है घोगल कन्ना बनना मतलब मछला होना किनु कहते हैं हाँ हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट मछला होना किनु कहते हैं एकदा नहीं कह सकते आप ठीक है दीपांश है ना राइट मछला होना की हुंदा है कि मतलब के कोई काम नहीं करना इदा दा हां जी अपनी मस्ती विच रहना लापरवाह जिया ठीक है एग्जांपल तुहानू मैं दस दित्ती ओके तो तुसी चंगी तरह समझ गए होंगे ठीक है कोगल करना मतलब मछला कोगल इत्थे तुहाडे लिखा है कि राहुल बहुत चलाक है जद भी उसनू कोई काम करन लई कहंदा है तां कोगल करना बन जांदा मतलब के ओ गल नू अनसुणी कर दिंदा है उते कोई भी असर नहीं हुंदा ठीक है इनू आपा कहने हुण देखो तुहानू मुहावरा भी पूछा जा सकता है ते ओदा अर्थ भी पूछा जा सकता है राइट कि मछला होना दा सही मुहावरा दसो सो घोगल कन्ना एदा भी आ सकता है या तुहानू पूछा जा सकता है मुहावरा पूरा करो घोगल डैश ठीक है या आ सकता है कन्ना बनना डैश हुण जे तुहानू पता होएगा कि इहदे अगे घोगल लगना है तां ही तुसी लिख सकदे हो ठीक है मतलब जेड़ा कोई भी गल नू सुनदा नहीं है सुनी हुई गल नू अणसुणिया कर देना ठीक है मुहावरा ते आएगा नहीं पर हो सकदा है जिस तरह तुहानू मैं असाइनमेंट पाई सी पाई सी ना उहदे विच इक मुहावरा लिखिया सी ना इक अर्थ लिखिया सीगा उहदे विचों दी तुसी सही चुनना है मान लो कि अब सानू यही वाला आ गया कि राहुल बहुत चलाक है जब भी उसनू कोई काम करने लिए कहा जाता है तो घोगल कन्ना बन के रहता है इस मुहावरे नू पढ़ के इसका सही अर्थ दसो फिर अर्थ की ऑप्शन भी लिखी जा सकती है तुसी उहदे विच सही अर्थ भी दसना है एक मुहावरा चार पांच तरीके नाल आ सकता है ठीक है नेक्स्ट है घगरी भड़काउणी सेकंड घगरी ਪੜਕਾਉਣੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਘੱਗਰੀ ਪੜਕਾਉਣੀ ਘੱਗਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰਲਸ ਦੀ ਘੱਗਰੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਲਹਿੰਗੇ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ 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 ਲਹਿੰਗੇ ਲਹਿੰਗੇ ਟਾਈਪ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਗਰਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ
ਭੜਕਾਉਂਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਫਿਰਨਾ, ਰਾਈਟ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਫਿਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਘੱਗਰੀ ਚ ਭੜਕਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਘੱਗਰੀ ਭੜਕਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਭੜਕਾਉਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਫਿਰਨਾ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਚੁਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਕਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਥਰਡ ਹੈ ਕੱਟਾ ਛਾਨਣਾ, ਕੱਟਾ ਛਾਨਣਾ, ਮਤਲਬ ਕੱਟਾ ਛਾਨਣਾ, ਕੱਟਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਛਾਣੀ ਜਾ, ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਫੋਲ ਜਾ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਟਾ ਛਾਨਣਾ ਮਤਲਬ ਅਵਾਰਾ ਫਿਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਫਿਰੋ, ਕੱਟਾ ਨਾ ਛਾਣਦੇ ਫਿਰੋ, ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਛਾਣਦੇ ਫਿਰੋ, ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨਾ ਰੁਲੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੈਸ਼ ਛਾਨਣਾ, ਆਟਾ ਛਾਨਣਾ, ਰੇਤਾ ਛਾਨਣੀ, ਕੱਟਾ ਛਾਨਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਬਣ ਵੇਲੇ ਫਿਰਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਵਾਰਾ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਮਲ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਕੱਟਾ ਛਾਣਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੱਟੇ ਕੌਡੀਆਂ ਰਲਾਉਣੀਆਂ, ਕੱਟੇ ਕੌਡੀਆਂ ਰਲਾਉਣੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਗਵਾ ਦੇਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕੱਟੇ ਚ ਉਡਾਉਂਦੇ, ਹਵਾ ਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨੀ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੌਡੀਆਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ, ਵਾਈਟ ਵਾਈਟ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਪੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਕੌਡੀ ਰਲਾਉਣਾ, ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਗਵਾ ਦੇਣੀ। ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟੇ ਕੌਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਲਾਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਨੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸੈਂਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਸੁਣਦਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੱਟੇ ਕੌਡੀਆਂ ਰਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਨੀ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗਵਾ ਦੇਣੀ, ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਘਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਦੀਪਾਂਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਘਾਟ ਘਾਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਘਾਟ ਘਾਟ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਘਾਟ ਕਾ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਘਾਟ ਘਾਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਚੌਥੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਟ ਘਾਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਰਾਈਟ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਨੌਕਰੀ, ਹਾਂ ਐਕਸੈਕਟ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨ ਨੇ ਘਾਟ ਘਾਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਉਹ ਕਈ ਇਲਾਕਾਈ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਘੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਰਨਾ, ਉਹ ਘੁਲ ਘੁਲ ਕੇ ਮਰਨਾ, ਘੁਲ ਘੁਲ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਘੁਲ ਘੁਲ ਕੇ ਮਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ। ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸੋਣਾ,
चैन नाल सोना, आराम नाल सोना, ठीक है, किसी नू कोई फिकर नहीं, तुसी बहुत आराम नाल सुते हुए हो। नेक्स्ट ये भी थानू पता है, घ्यो दे दीवे बालने खुशी मनानी। वाक ठीक है, ब्याह ते सारे घ्यो दे दीवे बालदे हन दिवाली ते, ठीक है। नेक्स्ट घ्यो खिचड़ी होना, ठीक है जी, गुड मुहावरा, घ्यो खिचड़ी होना भाविक मुहावरा, ठीक है, या परिवार विच सारे घ्यो खिचड़ी होके रहिंदे ने। नेक्स्ट घर फूक तमाशा देखना, घर फूक तमाशा देखना मतलब किसी दा घर तमाशा देखना, किसी दा नुकसान करके खुद खुश होना, ठीक है, तमाशा अपना नुकसान करके खुशी मनानी या दूसरे दा नुकसान करके भी खुशी मना, क्योंकि कई लोग करते ना अपने पैर आप ही कुहाड़ी मारते ने, ठीक है, अपना नुकसान आप करना ओही हिसाब है, या दूसरे का नुकसान करके या अपना नुकसान करके, नुकसान करके लिखो अपना, दूसरा लिखो ही ना, ठीक है। कि गुरवंत अपनी जमीन अपनी धी दे नाम करके बड़ा भी बड़ा खुश हो सकता है कि कोई मजबूरी होवे, नहीं तो घर फूक तमाशा कौन देखता है, मतलब अपना नुकसान करके खुशी कौन मनाता है, ठीक है। एथो तक ही करांगे बेटा आप, दस ही करांगे अज, राइट। हां जी, एनी डाउट, किसी नु कोई डाउट होए बच्चे, अज आप सिर्फ दस मुहावरे करांगे, ठीक है, बाकी आप बाद विच करांगे असाइनमेंट, थानू जदों सारे मुहावरे थोड़े हो जाएंगे फिर मैं दवांगी, उन तुसी सॉल्व करना है, ठीक है, वो भी क्लास विच ही होएगी असाइनमेंट। किसी का कोई डाउट होवे